व्यूअर्स, G13 इस्लामाबाद में आपको लेकर आ चुके हैं और जो प्रोडक्ट आपके लिए व्यूअर्स में लेकर आया हूं वो है 14 मरले का 40x80 के डायमेंशन का बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न फसाद, मॉडर्न एलिवेशन वाला घर, जो कि बड़ा एक रेयर कंसेप्ट है। अगर इस सेक्टर के घरों की बात करें, आपको ट्रेडिशनल स्टाइल्स मिलते हैं एलिवेशन में, आपको लोकेलिटी बहुत बेहतरीन मिलती है, पैक स्ट्रीट है, आपको फैमिली पार्क बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाता है, मेट्रो स्टेशन, ब्लू एरिया, आपका श्रीनगर हाईवे, मोटरवे की एक्सेस, तो सारी की सारी जो एक्सेस है बहुत ईजिली एक्सेसिबल है आपकी इस लोकेशन से। व्यूअर्स, आपके पास एक बड़ा रैंप एरिया है, एक्सटीरियर लॉन बहुत प्यारा है, 10 करोड़ रुपए इस जबरदस्त खूबसूरत 6 बेडरूम्स हाउस की डिमांड है जो कि अवेलेबल है फॉर सेल G13 इस्लामाबाद के एक जबरदस्त लोकेशन पे। आधे इस घर का कंप्लीट हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एलिवेशन से जबरदस्त मॉडर्न एलिवेशन वाले घर का प्रॉपर विजिट स्टार्ट करते हैं। आपको सामने नजर आ रहा है इस घर में आपको 6 बेडरूम्स मिलते हैं, अलॉन्ग विद 6 बेडरूम्स आपको छत पे 2 सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते हैं आपके सर्वेंट्स वगैरह के लिए। आपके पास एक खूबसूरत स्ट्रीट व्यू है घर का, वो सामने आपको एंड पे जो है फैमिली पार्क की भी कॉम्बिनेशन मिल जाती है। तो एक अच्छी लोकेलिटी का घर है, बड़ा रैंप एरिया आपके पास और साथ आपके पास खूबसूरत एक्सटीरियर लॉन है जो कि वेरी वेल मेंटेन्ड है। व्यूअर्स, आपको मैं घर के अंदर लेकर चलता हूँ तो आपके पास कार पोर्च एरिया है जो कि काफ़ी वाइड है, आप 2-3 गाड़ियाँ ईजिली यहाँ पर आँखें बंद करके पार्क कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर्स अंडर द स्टेयरकेस आपका पॉडरूम जो कि एक्सेसिबल है थ्रू कार पोर्च, बाहर से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 3 दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की एक्सेस, मेन एंट्रेंस और साथ ये डोर है जिसको आगे अंदर से पार्टीशन कर देंगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको रेंटल पर्पज़ के लिए फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। 1 स्टेप अब मुझे मेन एंट्रेंस की एक्सेस मिलती है, खूबसूरत वॉकवे एरिया मेरा वेलकम करता है। व्यूअर्स, ये आपका स्टेयरकेस है जो कि अपर पोर्शन की एक्सेस है, इस दरवाजे के थ्रू आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं तो प्रॉपर एक डबल यूनिट आपका ये घर बन जाता है जो कि इंतहाई प्रैक्टिकल है। ऑन द लेफ्ट व्यूअर्स आपके पास स्लाइडिंग में डोर्स है जो कि आ जाता है घर के ग्राउंड पोर्शन का, ड्राइंग एंड डाइनिंग प्लेस जो कि आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, टाइल वर्क बड़ा बेहतरीन है। आपके पास एक खुला डुला ड्राइंग रूम एरिया है, साथ ही व्यूअर्स आपके पास आ जाता है डाइनिंग एरिया ताकि आपके जो भी कोई गेस्ट वगैरह हैं उनसे आपको मीटिंग शीटिंग करके गप्पे शप्पे लगा के आप यहाँ पे उनको इजीली मील सर्व कर सकें। व्यूअर्स, आपको मैं वापस लेकर आता हूँ सर्वर इसके वॉकवे एरिया में, आगे टीवी लॉन्ज, लेकिन पहले इसका ग्राउंड पोर्शन का पहला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम, अच्छी स्पेस में है, कंसील आपका वार्डरोब एरिया है, साथ आपका अटैच वॉशरूम है, सिक्योरिटी वॉच गार्ड वॉचमैन का मंजा मुंजा पड़ा है और ये आपका अटैच वॉशरूम है जो कि ड्यू टू सम रीजन आई थिंक इट इज़ लॉक्ड, तो प्रॉपर एक वॉशरूम की आपके पास अकोमोडेशन है। आपके पास व्यूअर्स आगे मैं लेकर चलता हूँ तो साथ ही आ जाता है आपका टीवी लॉन्ज एरिया जिसमें बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी मीडिया वॉल है आपके लिए, सीलिंग वर्क देख सकते हैं ज़बरदस्त रोप लाइट्स के वजह से, सीलिंग में 2-3 ब्लेड फैंस हैं आपके पास और काफ़ी कुशादा खुला डुला आपका स्पेशियस टीवी लॉन्ज जिसको हार्ट ऑफ द हाउस भी कहते हैं वो आ जाता है। आपको व्यूज़ में जल्दी से लेकर चलता हूँ ग्राउंड पोर्शन के किचन में जो कि क्लोज्ड किचन है, वुडन में आपके पास फ्लोरिंग है, ज़बरदस्त आपके पास कैबिनेट्स वर्क है, हायर का आपके पास हुड एंड होब है, साथ आपको पूरा रेंज सेटअप है और यहाँ आपके डबल डोर फ्रिज की जगह छोड़ी गई है, साथ आपके पास जगह है माइक्रोवेव और ग्रिल ओवन रखने की और ये दरवाज़ा आपका साइड वॉक्स को एक्सेस कर रहा है। आपको व्यूअर्स में लेकर चलो ग्राउंड पोर्शन के दूसरे बेडरूम की तरफ, दिस इज़ द सेकंड बेडरूम, पहले वाला काफ़ी छोटा था तो इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हैं, प्रॉपर एक वॉक इन क्लोजेट भी आपके पास इस बेडरूम में, ज़बरदस्त एक सामने पिक्चर विंडो है अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी ग्रिल और ये आपका आ जाता है वार्डरोब एरिया जो कि आप देख सकते हैं और अटैच वॉशरूम, वैनिटी मिरर, वैनिटी कमोड, पोडा की एक्सेसरीज, टाइल अप वॉशरूम और शावर सेट। आपको भी उसमें लेकर चलता हूँ ग्राउंड पोर्शन के लास्ट बेडरूम की तरफ जो कि थर्ड बेडरूम है, लें जी ज़बरदस्त एक बेडरूम है आपके पास अच्छी स्पेस में, लोकेशन बहुत आउट क्लास है इस घर की, आपके साथ ही आपके पास आ जाता है वॉक इन क्लोजेट जिसमें वार्डरोब एरिया आपके पास, टाइल्ड अप वॉशरूम है, वैनिटी है, कमोड है, साथ भी आपके पास आ जाता है शॉवर एरिया। व्यूअर्स, चलते हैं घर के अपर पोर्शन में, अपर पोर्शन में जाकर दिखाता हूँ आपको मैं और क्या क्या खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। फिर इस खूबसूरत स्टेयर केस के थ्रू आज को मैं अपर पोर्शन में और स्ट्रेट अवे मुझे मिलता है राइट साइड पे डोर जिसके थ्रू आपको टेरेस की एक्सेस मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत एक बड़ी जगह है, फैन आपका यहाँ पे लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे शाम को किताब अच्छी जो है इवनिंग इंजॉय कर सकते हैं, कोई चाय काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। सेम लाइक द ग्राउंड पोर्शन आपकी अकोमोडेशन है सारी की सारी अपर पोर्शन के फ्लोर प्लान की भी, बस एक डिफरेंस है कि ऑन द लेफ्ट आपका ये ड्राइंग रूम एरिया है जिसको थोड़ा क्लोज कर दिया गया है डाइनिंग एरिया से थ्रू दिस सिंगल डोर, डाइनिंग एरिया आपका बिल्कुल क्लोज मिलता है और साथ ज़बरदस्त आपके पास निश डिज़ाइन आ जाता है और आई थिंक यहाँ पे कोई स्काई लाइट्स का भी कोई फैक्टर यहाँ पे बनाया गया है जी, बिल्कुल व्यूअर्स आप देख सकते हैं ज़बरदस्त आपके पास अच्छी यहाँ पे
स्पेस छोड़ी गई है स्काईलाइट वगैरह के लिए। तो व्यूअर्स आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग थोड़ा सेपरेट है, ड्राइंग के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। इसके बिल्कुल साथ व्यूअर्स आपका सामने आ जाता है लाइक द ग्राउंड पोर्शन, अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम, अगेन कंसील्ड वार्डरोब एरिया, टाइल वर्क बहुत बेहतरीन है, और ये वाला वॉशरूम था जो कि नीचे आपको क्लोज मिला लॉक हुआ नज़र आ रहा था। तो ये वारंटी है, पोटा कमोड है आपका, टाइल ऑफ वॉशरूम सेम लाइक दिस आपका वॉशरूम ग्राउंड पोर्शन का भी जो कि लॉक था, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो फिर आपके पास एक वॉकवे एरिया जिसके थ्रू होता हुआ बिल्कुल मैं जा रहा हूँ इसके टेबल लॉज एरिया में। ज़बरदस्त सीलिंग वर्क है, थोड़ा सा चेंज है ग्राउंड पोर्शन से, खूबसूरत मीडिया वॉल है इसकी, और साथ आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत स्काई लाइट का वो फैक्टर भी व्यूअर्स मिल जाता है। साथ व्यूअर्स आपको मिल जाता है अपर पोर्शन का क्लोज्ड किचन जो कि आप देख सकते हैं, टाइल वर्क है, वो जो जगह छोड़ी हुई वहाँ पे नीचे रेंज पड़ा हुआ आपका नज़र आ रहा था, कुकिंग रेंज हुड आप इंस्टॉल्ड है, चूल्हा चूल्हा आपने लगा लेना है या कुकिंग रेंज लगाने वो आपकी मर्जी है। कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा है, एग्जॉस्ट चल रहा है आपका नज़र आ रहा है, और एक ज़बरदस्त स्पेस है आपके पास, हायर की डबल डोर फ्रिज आपकी यहाँ पे इजिली इंस्टॉल हो जाएगी। चलते अपर पोर्शन के व्यूअर्स फिफ्थ और सेकेंड और ओवरऑल फिफ्थ बेडरूम की तरफ जो कि आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सीलिंग वर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास साथ आ जाता है विंडो, पिक्चर विंडो सिक्योरिटी ग्रिल के साथ, साथ आपके पास आ जाता है वॉक इन क्लोजेट, अटैच वॉशरूम, वैनिटी, वैनिटी मिरर, कमोड, और इंतहाई जो है वो शॉवर ही है, इंतहाई प्रैक्टिकल आपके अप्रोच के साथ इंटीरियर सारा घर का मिलता है, और मॉडर्न एलिवेशन काफ़ी आपको ज़बरदस्त मिलेगा मॉडर्न डिज़ाइंस में। आपके पास सीलिंग वर्क है आखिरी बेडरूम का, ज़बरदस्त डिसेंट स्पेस है, एसी की जगह छोड़ी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं, और साथ आपकी विंडो है, ये वॉक इन क्लोजेट है आपका प्रॉपर, और ये जी आपका आ जाता है वैनिटी मिरर, वैनिटी कमोड, शॉवर एरिया, कम्प्लीटली टाइल्ड अप वॉशरूम। 10 करोड़ रुपये ज़बरदस्त 40x80 के डायमेंशंस के घर की 14 मरला जो के बनते हैं उसकी डिमांड है। घर के बारे में किसी किस्म की डिटेल्स के लिए हमारे दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसको विजिट करना है, इसको खरीदना है आप तो आप हमारे दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इस ज़बरदस्त घर की डील बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।